अगर तुम में से किसी ने भी बेईमानी की तो वो अपने आप इस दौड़ से बाहर हो जाएगा। अब किसी को कोई सवाल पूछना है तो फिर चलो शुरुआत करते हैं। नहीं, नहीं चलो।, चलो रुको, मुझे मेरी गेंद रखने दो। शक संभाल लूंगा। हम जरूर जीतेंगे, है ना? मुझे पता है। तुम्हें सच में लगता है तुम बक्शॉट को हरा पाओगे? हाँ, हम जीत जाएंगे। ये दौड़ यहाँ से शुरू होती है और यहीं खत्म होती है, पर याद रखना मेरे साथी पेड़ तुम पर नजर रखेंगे ये देखने के लिए कि कोई चालाकी न करे। वैसे भी हम इतनी तेजी से जाएंगे कि तुम पीछे रह जाओगे। खास तौर पर तुम धूल चखोगे। धूल तो तुम चखोगे। तो तुम सब तैयार हो, चलो आओ। एक दो तीन। शाबाश शाबाश, आगे बढ़ो, शाबाश। और तेज, और तेज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शाबाश। जीतने वाले हैं। हमसे बहुत पीछे थे, हम तुमसे बहुत आगे थे। तुमने सपने में बदलू, हम तुमसे पहले पहुँचे हैं। तुम जानते हो कि तुम हार गए हो। मुझे पता है कि तुम एक मील से पीछे थे हमसे। जीते तो हम ही हैं। बस करो तुम दोनों, अब तुम लोग शांत हो जाओ। अगस्त्या को सुनो। बहुत देर सोचने के बाद हमने ये फैसला किया है कि ये दौड़ बराबर रही है। अच्छा किया, बहुत बढ़िया। इस दौड़ के लिए सबको बधाइयां। मुझे फिर से दौड़ लगानी है। हाँ मुझे भी। पूरा मत मानो सैम, बक्शॉट की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मुझे पता है। हाँ? क्या हुआ सिम्बा? हाँ? कुछ नहीं, आजकल मेरे लिए लोग इतना परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि तुम्हें रेस करना बहुत पसंद था, पर आज तुमने मना कर दिया और तुम हमेशा अकेले रहते हो। मैं थोड़ा मायूस हूँ। क्यों मायूस हो? क्योंकि जल्द ही मुझे तुम सबको छोड़कर जाना होगा। इसलिए? सवाना को देखने के लिए, मेरा असली राज्य। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकते सिम्बा, बक्शॉट और मैं तुम्हारे साथ चलेंगे। पर वो यहाँ से बहुत दूर है और वो खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है, हमने जो भी सीखा है उससे हम वहाँ जा पाएंगे। दरअसल मुझे भी नहीं पता हम वहाँ कैसे जाएंगे। कोई बात नहीं, हम किसी को ढूंढ लेंगे जो वहाँ गया हो और उसे पूछ लेंगे। तो तुम्हारा मतलब है तुम मेरे साथ आओगे? बिल्कुल, और फिर हम मेरे जंगल जाएंगे। पर तुम पूछोगे किससे? हाँ, हम जिनको जानते हैं उनमें से कोई भी सवाना नहीं गया है। हम किसी और से पूछ लेंगे। हाँ, ऐसा कोई जिसे जानकारी हो। पर हम इस जंगल में तो सभी लोगों को जानते हैं। मुझे यकीन है कि हम किसी को ढूंढ लेंगे। चलो। क्या हम नदी के पास देखें? हाँ, सब यात्री वहाँ पानी पीने के लिए रुकते हैं। चलो चलते हैं। तो ठीक है सब साथियों, अब आगे आके अपना इनाम लो। मैंने उसे और सैम को काफी समय से नहीं देखा। मेरे साथी पेड़ के हिसाब से ये लोग जल्दी में सिम्बा के साथ नदी की ओर गए हैं। अब वो क्या करने वाले हैं? उन्हें बस एक दूसरे के साथ वक्त बिताना है। मुझे फिक्र हो रही है, सिम्बा बहुत समझदार है, वो आगे की सोच लेता है। क्या तुम्हें यकीन है कि वो लोग सवाना की ओर गए हैं? यही तो सोच रहा हूँ हुजूर, जैसे ही उन्हें कोई मिलेगा ये बताने के लिए कि वहाँ कैसे पहुँचते हैं। अब कहाँ है वो? नदी की ओर गए हैं। मुझे दिखाओ।
आज यहाँ कोई नहीं है। और मैं क्या हूँ, कटा हुआ जिगर? नहीं। तुम कौन हो? मैं स्पाइक हूँ, तारपीडो मछली। मेरी गेंद। मैंने पकड़ ली। शुक्रिया। वाह, ये चाल लाजवाब थी। तुमने ऐसा खेलना कहाँ से सीखा? या वो नसीब से हुआ है? नहीं, नसीब का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ फेंको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये, 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 ये देखो, ओ, ये, हाँ, ये तो लाजवाब है। ये, तुम्हें पसंद आया? तुमने ऐसा खेलना कहाँ से सीखा? तुम कमाल के हो। मैंने ये स्कूल में सीखा, अपने दोस्तों के साथ। हाँ, जब मैं थोड़ा छोटा था, मेरे स्कूल के दोस्त और मैं हमेशा पढ़ाई के बाद यही खेल खेला करते थे। कहाँ से आए हो? बहुत दूर से। तो तुम एक यात्री हो? क्या तुमने सवाना जैसी जगह का नाम सुना है? सुना है, मैं इतनी बार गया हूँ कि गिन भी नहीं सकता। बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर नदियाँ हैं? हर समय नहीं, सिर्फ बारिश के मौसम में, और फिर हर कोई वहाँ जाता है। ये एक लंबी और एक खतरनाक यात्रा है, पर मजेदार भी। क्या तुम बता सकते हो कैसे? तुम और तुम्हारे दोस्त जानना चाहते हो सवाना कैसे जाते हैं? सही कहा। तुम्हें जानना चाहिए कैसे, तुम एक शेर हो ना, तुम वहाँ पैदा हुए होगे। हाँ हुआ था स्पाइक, पर मैं जब यहाँ आया था बहुत छोटा था, मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं। पर मैं समझता हूँ तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो, पर वो बहुत लंबा रास्ता है। क्या तुम्हें लगता है तुम तैयार हो? हम कुछ समय से अभ्यास कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हारा अपने दोस्तों के साथ सवाना जाना अच्छा रहेगा। हम जाएंगे। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो स्पाइक? क्योंकि सवाना एक मुश्किल जगह है, खास तौर पे उनके लिए जो वहाँ कभी नहीं गए। मैं शहर में रह चुका हूँ, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तेज लहरों पे कैसे तैरते हैं और भूखे मगरमच्छों से कैसे बचते हैं? वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें हफ्तों हफ्तों तक तैरना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज्यादा ताकत होनी चाहिए और बहुत ही जुनून भी, और वहाँ की भीड़, उससे बहुत परेशानी हो सकती है। मुझे याद है एक बार नदी में इतनी भीड़ थी, मुझे लगा मैं जमीन पर से ही यात्रा कर लूँ, पर एक बार तुम वहाँ पहुँच गए तो अपनी सारी तकलीफें भूल जाओगे। वो इतना खूबसूरत है और वहाँ का पानी बहुत ठंडा है। क्या तुम्हें सच में लगा कि हम वहाँ तक तैर के जाएंगे? तुम उससे चाहते क्या हो? मैं एक मछली हूँ और भूखा भी हूँ, मैं खाने के लिए जा रहा हूँ। अलविदा, फिर मिलते हैं, यात्रा शुभ हो। चलो कम से कम ये वहाँ पहले गया तो है, शुरुआत तो हुई। हाँ सही कहा। क्या तुम्हें यकीन है वो इस रास्ते से गए हैं? जी हुजूर, वो मुझे उनकी हंसी सुनाई दे रही है हुजूर। बेहतर होगा तुम सही हो, क्योंकि तुमने मेरी नींद खराब की है। सुनिए, क्या आप में से किसी ने सवाना तक यात्रा की है? बेशक हमने की है। हर साल प्रवास के लिए हम 1000 मील उड़ते हैं। ठंड से बचने के लिए गर्म वातावरण की ओर उड़ते हैं। हम सवाना से बहुत दूर तक उड़ते हैं, लेकिन हमारा रास्ता वहाँ से होकर नहीं गुजरता। अच्छा, क्या आपके कोई दोस्त वहाँ गए हैं? मेरी एक चचेरी बहन है, पर उस तक पहुँचने के लिए 1 दिन लगता है। हम भी वहीं जा रहे हैं। ये बहुत शानदार होना चाहिए। चाहो तो तुम भी आ सकते हो। शुक्रिया, मैं अपना घर देखना चाहूँगा। मैं भी। एक और पंछी है जिसे मैं जानती हूँ, जो वहाँ होकर आया है, वो है ईगल किंग। वो लगभग हर जगह जाता है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कभी सवाना आए तो जरूर मिले, मैं किसी दिन वहाँ का राजा बनूंगा। तुम सिम्बा हो ना? तुम सिम्बा हो? हमें तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम बहुत अच्छे हो। हमने तुम्हारा नाम पहले भी सुना है। टॉय मिले हैं ना? अलविदा सिम्बा। क्या तुम फिर से तुम्हें नहीं रखना? फिर अलविदा। अलविदा। वाह, अलविदा सिम्बा। वो कितनी सुंदर लग रही हैं। तुम सोना नहीं, हमें उस पर नजर रखनी है। जी हुजूर, मुझे पता है, मैं आपके लिए कोई अच्छा शिकार ढूंढने की सोच रहा था। जो भी हो, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि हमें सिम्बा को ढूंढना है।
कैसे हो मेरे दोस्तों? तुम्हें वापस देखकर अच्छा लगा। आप कैसे हैं? हमें बहुत खुशी हुई आप यहाँ आए। तो घर से इतनी दूर तुम यहाँ क्या करने आए हो? तैयारी करना है? दरअसल हमें सवाना जाना है, पर हम में से किसी को रास्ता ही नहीं पता। क्या वो जगह डरावनी है? मैं नहीं डरता। पर अब हम क्या करें बताइए? आप जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या आप नाराज हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि तुम्हें पहले से रास्ता पता है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर तुम्हारी पहली यात्रा के दौरान मैं और मेरा दोस्त तुम्हें और बक्शॉट को अपने सबसे ऊंचे शिखर पर लेकर गए और तुम्हें सवाना दिखाया था और बक्शॉट के हरे भरे वन को भी। तुम बहुत छोटे थे, पर मुझे यकीन है कि तुम्हें याद होगा। तुम दोनों के राज्य वहां नीचे हैं मेरे दोस्तों, सामने क्षितिज के पास। तुम कैसे भूल गए सिम्बा? मुझे लगता है कि ये याद रखने के लिए मैं बहुत छोटा था। वहां पर सावधान रहना मेरे दोस्तों, ये तुम्हारे भविष्य की ओर एक कठिन यात्रा है। शुक्रिया, अलविदा। ठीक है, हम रुके किस लिए हैं? तैयार हो सिम्बा? हाँ तैयार तो हूँ, पर मैं चमेली माँ और अपने दोस्तों को अलविदा कहे बिना नहीं जा सकता। और हमें वापस जाकर तुम्हारी गेंद भी लानी है। चलो देखिए हुजूर, मुझे लगता है वो लोग वापस आ गए। वो लोग तो काफी बड़े हो गए। उन्हें पता भी नहीं कि हम लोग यहाँ हैं। उन्हें पता चल जाएगा बेवकूफ, अगर तुम चिल्लाते रहे। ए, कैसे हो दोस्तों? कोई रास्ता मिला क्या? हाँ, ईगल किंग ने हमारी मदद की। तो लगता है तुम सबको अलविदा बोलकर अपने राज्य की ओर निकल जाओगे। तुम वहाँ आके हमसे मिलोगे ना स्पाइक? वो किससे बात कर रहे हैं तबाकी? कौन कह रहा है कि वो राज्य सिम्बा का है? वो कोई मछली लग रही है हुजूर। मैंने तुमसे कहा था कि कोई आवाज मत करना। हाँ अभी आता हूँ। तुम किसी काम के नहीं। ओ, माफ कीजिए हुजूर, मेरा पैर पत्थरों से फिसल गया था। हाँ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी जासूसी कर रहे हो? रुको, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है हम जासूसी कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ छुपे हुए हैं हुजूर। तो मुझे तुम लोगों का स्वागत करना चाहिए अपने अंदाज में। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओ सच्ची? क्यों नहीं? मुझे लोगों को परखना आता है और मुझे पता है कि तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। अब हमें अकेला छोड़ दो। वो शेर खान था, उसने उसे अच्छा मजा चखाया। वो शायद हमारी जासूसी कर रहा होगा। फिक्र मत करो, अब सब ठीक है। मैंने उसे कभी इतना तेज भागते हुए नहीं देखा है। तुमने क्या किया उसके साथ? बस अपनी पूछ से थोड़ा सा बिजली का झटका दिया। वो तुम्हारी जासूसी कर रहे थे, पर वो झटका कुछ समय के लिए तुम्हें उनसे थोड़ा दूर रखेगा। मैंने उन्हें जोर का झटका दिया, वो भी धीरे से। हम जल्दी सवाना के लिए निकलने वाले हैं, शायद हमारी फिर से मुलाकात हो जाए। क्या कहते हो दोस्तों? क्या वहाँ पे बारिश का मौसम होगा? थोड़े समय के लिए तो नहीं, पर अगर बारिश का मौसम होता भी तो भी मैं इस साल वहाँ नहीं जा पाता। मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए, क्योंकि 10 साल बाद हम मिलने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा कि तुमसे मैं मिलने आऊँ। ठीक है सिम्बा, तो तुम मिल ही गए। तुम कैसी हो? रानी साहिबा का एक संदेश है। क्या सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, उन्होंने तुम्हें महल में आने का न्योता दिया है। क्या मैं और सैम भी आ सकते हैं? क्यों नहीं, तुम्हें भी न्योता दिया है। अब मुझे वाकई में ही जाना चाहिए। तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगली बार तुम्हें कुछ नए करतब दिखाऊंगा सैम। अलविदा स्पाइक।
फिर मिलते हैं, अलविदा। ये जा नहीं रहा है, है क्या ये? चलो जाओ यहाँ से, तुम लोग भी अच्छा नहीं होगा। ये कोई मजाक नहीं है, शेर खान मुझसे भी बुरा दिख रहा है। क्या कहा तुमने? मेरे हुजूर पर हंसने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? अब बस भी करो। तवाकी से मेरी नाक से हटाओ। बस करो तवाकी। और कौन हंस रहा है मुझ पर? ये सब सिम्बा की गलती है जो जंगल में हर किसी को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। याद है पहली बार जब हम महल गए थे, तभी हमें अपनी जादुई शक्तियां मिली थी। मैं भूल ही गया था ये कितना खूबसूरत है। मैं भी। कैसे हो दोस्तों? वाह, तुम्हारा स्वागत है दोस्तों। मैं खुश हूँ कि तुम आए। शुक्रिया रानी साहिबा, वापस आकर अच्छा लगा। क्या सब ठीक है? ओ हाँ, हमने तुम्हें सिर्फ विदाई देने के लिए बुलाया है, इससे पहले कि तुम चले जाओ। तुम सब बहुत प्यारे हो, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे दोस्तों। हम भी आपको याद करेंगे रानी साहिबा, आपके हम पर बहुत एहसान है। आपकी दी हुई शक्तियों के बिना हम इतनी दूर आ ही नहीं पाते। तैयार हो जाओ मेरा संगीत सुनने के लिए। सुना हमारा मजेदार संगीत, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम हमें भूल न जाना। याद रखना सिम्बा, हम हमेशा तुम्हारे दिल में रहेंगे जैसे कि तुम हमारे।
सिम्बा और उसके दोस्तों को जो सम्मान मिला उससे वो बहुत खुश थे, लेकिन दोस्तों को छोड़कर जाने का उन्हें गम भी था। सवाना जाने के लिए वो बहुत उत्सुक थे, पर उन्हें पता नहीं था कि रास्ते में कितने रोमांच उनका इंतजार कर रहे हैं। जानने के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों।